Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now यूनिट फॉर वर्क पावर एंड एनर्जी, जो मेरा वर्क है इसको अच्छे से अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको समझने से पहले हम एनर्जी समझ लेते हैं। हमने छोटी क्लासेस में ना एक पॉइंट पढ़ा हुआ है एनर्जी का। एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये लाइन सबको रटी हुई है, सबको पता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। जो भगवान ने इस दुनिया के अंदर एनर्जी बना दी तो बना दी बस, ठीक है। अगर उन्होंने टोटल इस दुनिया में, इस यूनिवर्स के अंदर 100 जूल, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 100 जूल एनर्जी उन्होंने टोटल एनर्जी बना दी, सब चीजों को मिलाकर जो एनर्जी है वो 100 जूल है, तो वो हमेशा 100 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है, इस टाइम केमिकल एनर्जी यूज हो रही है। मेरी बॉडी की केमिकल एनर्जी कहां यूज हो रही है, तो आंसर है कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी बेसिकली इस यूनिवर्स की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। केमिकल कम हो गई तो साउंड ज्यादा हो गई, तो एक चीज कम होती है तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी को तुम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको डैमेज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आंसर ये है कि ये कन्वर्जन होता कैसे है। हम कन्वर्ट तो कर देंगे, नो डाउट कि हम कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी को, लेकिन वो एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो कैसे का जो आंसर है वो है वर्क। अगर हम वर्क करेंगे तो बेटा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क इज अ डेड मशीन, डेड मोटर, डेड डिवाइस, कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मोटर ही होगा या कुछ और होगा, नहीं, हम खुद भी हो सकते हैं। तो वर्क एक वो हमारे पास ऑपरेशन है, या ये लगा लो कि वो मेथड है जिससे हम अपनी एनर्जी की शक्ल इन द सेंस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। हमारी एनर्जी की पूरी फॉर्म चेंज हो सकती है, एंटायर एनर्जी चेंज हो सकती है जस्ट बाय डूइंग द वर्क। तो वर्क करने से एनर्जी चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्क करने से एनर्जी मिलती है या एनर्जी से वर्क होता है, बात एक ही है। तो ध्यान रखना हमेशा, अब तुम्हें माइंड में हमेशा के लिए इस लॉजिक को सेट कर लेना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क, वर्क का मतलब ही क्या है। वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। व्हाट दिस पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल्स के बिना हमें कुछ भी समझ नहीं आता होता कभी भी। तो एग्जाम्पल में हम मान लो कि हमने एक बेसिकली हमने बेटा जो वर्क है ना, वर्क को हम पढ़ते आए हैं बचपन से, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ते आए हैं कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो जाता है, पोजीशन चेंज कर लेता है अपनी, तो वर्क हो जाता है। जैसे मैं चल रहा हूं, चलने का मतलब है मेरी बॉडी फोर्स लगा रही है और मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स आई एम डूइंग वर्क ऑन माई बॉडी, तो मैं अपनी ही बॉडी पर वर्क कर रहा हूं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्क तुम्हें समझ आ गया होगा कि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बड़ा मैंडेटरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर मैं फोर्स लगा, मान लो मैं इस दीवार पे फोर्स लगाता रहूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं,
तो वर्क भी नहीं होगा, जीरो वर्क होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ वर्क। बट फिर हम ये क्या कह रहे हैं कि वर्क हम करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली चेंज हो जाएगी एनर्जी। कैसे चेंज हो जाएगी वर्क करने से एनर्जी, कैसे चेंज हो जाएगी जरा बताना मुझे। देखो कैसे चेंज हो जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई एनर्जी है, डेफिनेटली होगी कोई ना कोई एनर्जी। अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और अब तुमने क्या करना है, तुमने इसके ऊपर अपना फोर्स लगा दिया F। अब तुमने अपना फोर्स लगाया तो क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है या जो भी है जिसके कारण तुमने इस पे फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस हुआ, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, मान लो एस किया या जो भी डिस्टेंस कवर किया व्हाटएवर, तो वो डिस्टेंस कवर करने से क्या होगा, डिस्टेंस कवर करने से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, ठीक है ना। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, वर्क डन करना है। जैसे ही वर्क डन होगा बेटा, तो तुम्हारी बॉडी ने ही तो फोर्स लगाया, तो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो गई और ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट चलेगा, पता है ना सबको, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आई, कहां से आई ये काइनेटिक एनर्जी बताना, ये पहले तो नहीं थी इस ऑब्जेक्ट के पास, अब काइनेटिक एनर्जी कहां से पैदा हो गई, तो हम कहेंगे यहां पर तुमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी थी ना, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्ट करने वाला कौन है, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन है, तो आंसर है वर्क। तुम अगर फोर्स ना लगाते, डिस्प्लेसमेंट ना होती, वर्क ना होता, तो एनर्जी कभी कन्वर्ट भी ना होती। तो वर्क ने क्या किया, तुमने एक ब्लॉक के ऊपर, तुमने किसी पीस ऑफ वुड के ऊपर या किसी भी ब्लॉक के ऊपर वर्क कर दिया, जैसे तुमने वर्क किया तो उस वर्क ने क्या किया, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को डाउन कर दिया, ब्लॉक के अंदर उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में डाल दिया, उसने तुम्हारी बॉडी में से एनर्जी को सक किया, किसने, वर्क ने, तुम्हारी बॉडी में से एनर्जी सक हुई और ब्लॉक के अंदर इंक्रीज हो गई, किसमें, लेकिन ब्लॉक के अंदर एनर्जी इंक्रीज तो हो गई लेकिन वो वाली एनर्जी की फॉर्म बदल गई थी, तुम्हारी बॉडी में वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में थी और ब्लॉक में वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई। तो आई होप कि तुम्हें ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा कि वर्क क्या करता है, वर्क एक बॉडी में से एनर्जी को सक करता है, दूसरी बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जिस फॉर्म में वो सक करता है और जिस फॉर्म में वो इंक्रीज करता है वो फॉर्म बदल चुकी होती है, सेम फॉर्म में नहीं होता वो। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया, तो फटाफट से यस नो का रिप्लाई करो कि वर्क तुम्हें क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं हुआ, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क, वर्क होता क्या है, वर्क कैसे चेंजेस लेकर आता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को कहां से चेंज कर देता है वर्क, जल्दी बताइए वर्क क्लियर हो गया, ठीक है। वर्क का मतलब क्या होता है, सिंपल समझ के चलना है, ये तो तुम्हें चलो फॉर्मूला तो लर्न रखना ही रखना है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क का बेसिक मतलब क्या है, वर्क का बेसिक मतलब है कि वर्क एक ऐसा तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी की फॉर्म को चेंज करेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो फॉर्म बदल देगा। देखिए हम बोलते हैं कि जब मोटर वर्क करती है तो उसको भी हम वर्क बोलते हैं, जैसे फैन की मोटर है, जब तुम स्विच ऑन करते हो फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क। अगर मैं उसकी मोटर को उसमें से निकाल लूं तो फैन वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा समझते हैं इसको भी, देखिए जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही एक इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है, अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फोर्स लगाएगी और मोटर रोटेट होने लग जाएगी, मतलब कुछ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने लग जाएगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट होती है और फोर्सेस लगते हैं तो हमें पता है कि वर्क होता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है और फोर्सेस लगते हैं तो वर्क होता है। अब तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी अपनी मोटर को, मोटर ने अपना फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कर दिया, तो दैट मींस मोटर इज डूइंग वर्क और मोटर ने वर्क स्टार्ट कर दिया। अब मोटर ने अगर वर्क स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म बदल जाएगी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि वहां पे वर्क हो रहा है, तो वर्क डेफिनेट, जब जब भी वर्क होता है तो एनर्जी अपनी शक्लें बदलती है,
अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में तुम्हें नजर आने लग जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब तुम्हें मैकेनिकल फॉर्म में नजर आएगी। पंखा घूम रहा होगा, जो तुम्हारा फैन है वो रोटेट हो रहा होगा, तो वो मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी नजर आएगी। और कुछ कुछ हीट फॉर्म में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि पंखा जब घूमेगा तो गर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो वर्क कौन कर रहा है, वो वर्क मोटर कर रही है, यहाँ पर वर्क कौन कर रहे थे, यहाँ पे वर्क तुम कर रहे थे। तो ये अलग अलग चीजें हैं बेटा, तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिल रही थी वर्क करने की, तुम्हें एनर्जी केमिकल एनर्जी से मिल रही थी, मोटर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है वर्क करने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिल रही है। तो डेट मीन एनर्जी कहीं से ली जाती है और फिर वर्क किया जाता है और उस एनर्जी को बदल दिया जाता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा फंडा है वर्क पावर एनर्जी का, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये काम, ठीक है। इसको समझना भी बहुत आसान है, और इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशन जो है ना, बहुत 9th क्लास के लेवल की भी डेरिवेशन है, मतलब इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोर अच्छे मिलते हैं इसमें, मजेदार चैप्टर है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा क्या है कि यूनिट के लिए वो मुझे बात तुम्हें बतानी होती है। जब हम यूनिट की बात करते हैं ना, तो एनर्जी और वर्क दोनों का एसआई यूनिट भी सेम लिखा जाता है। कैसे सेम लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं जूल। तो वर्क का एसआई यूनिट भी जूल है, एनर्जी का एसआई यूनिट भी जूल है, क्योंकि दोनों एक ही तो चीज है, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, अगर वर्क नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। चलिए, लेकिन यूनिट के ना टाइप्स हैं। एसआई यूनिट अगर जूल है तो सीजीएस यूनिट कुछ और है, हमने उसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, किसी को याद है? अर्क, मे भी किसी को याद हो, कन्वर्जन करते थे तुम, मैंने तो बताया था तुम्हें कन्वर्जन की थी जब तुमने। तो अब उसके बाद बेटा दो टाइप के बेसिक यूनिट्स होते हैं, याद रखना इन दो टाइप्स के, और कहां पर होते हैं वो मैं बता रहा हूं। एक होता है बेटा तुम्हारा एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट तो वही हो गया ना जिसमें एसआई यूनिट हो गया या सीजीएस यूनिट हो गया। एक एब्सोल्यूट यूनिट के साथ साथ होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा मैं। एब्सोल्यूट यूनिट में तो तुम्हारा एसआई सीजीएस इस टाइप के यूनिट्स आ गए। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट बेटा उसी फिजिकल क्वांटिटीज में पाया जाता है जिसके अंदर ग्रेविटी का काम होता है। अब यहां क्या ग्रेविटी का कोई रोल है? बिल्कुल है। तो अभी तक शायद तुम्हें ना पता हो, या तुमने कभी ऐसा माइंड में कोशिश ही ना करी हो जानने की कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज हम वो कोशिश कर लेते हैं। कैसी कोशिश है, क्या है, लेट्स सी। फोर्स की बात करते हैं बेटा, फोर्स। फोर्स में भी देखो जोन जोन सी क्वांटिटी में ग्रेविटेशन का रोल होता है ना, जिस जिस क्वांटिटी में ग्रेविटेशन अपना रोल करता है उस क्वांटिटी के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि ग्रेविटेशनल यूनिट होता कैसे है, बनता कैसे है ग्रेविटेशनल यूनिट, लेट्स सी। देखो फोर्स के अंदर क्या ग्रेविटेशन का रोल है, हम कहेंगे है। देखो कैसे है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, और ए को हम लिख देते हैं जी, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं, ये लो वेट भी बोल सकते हो, फोर्स को तुम वेट भी बोल सकते हो, क्योंकि वेट का फॉर्मूला भी क्या होता है एम जी। बेटा ये बहुत बार हमने कर लिया, क्योंकि अब तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कर लिया, इसके कंपोनेंट्स भी बना लिए, फ्रिक्शन फोर्स वाले चैप्टर भी खत्म हो गए, हमें पता है कि वेट क्या होता है। वेट एक फोर्स होता है जो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा होता है, और उसको किससे लिखते हैं, फोर्स वाले फॉर्मूले से ही लिखते हैं, एम ए से ए की जगह पे जी लगा देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। चलिए ये सबको क्लियर है। अब बेटा अगर जी लगा देते हैं तो जी का रोल तो भी होना चाहिए ना। मैं कहता हूं कि तुमने क्या कभी 1 न्यूटन फोर्स फील किया है, या मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने कभी 10 न्यूटन फोर्स फील किया है, अगर किया तो कैसे किया। तो देखो उसके लिए बेटा हम इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि ग्रेविटेशन से हम फोर्स को कैसे फील करते हैं। देखो मैं कहता हूं तुम अपने हाथ के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर एक 100 ग्राम का वेट रखो, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का एक वेट रख लो। वो 100 ग्राम का वेट जिस फोर्स से तुम्हारे हाथ को दबाएगा वो 1 न्यूटन फोर्स होगा। कैसे होगा, 100 ग्राम का वेट तुम्हें 1 न्यूटन फोर्स कैसे दे सकता है। 100 ग्राम का वेट कितने फोर्स के बराबर है, 1 न्यूटन फोर्स के बराबर है। हाउ, लेट्स सी। इसी को तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ये ग्रेविटी के कारण आ रहा है, अब देखना जी के कारण आएगा ये 1 न्यूटन कैसे आएगा, देख सकते हैं। देखो बेटा फॉर्मूला है हमारे पास वेट का या फोर्स का, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी,
मास लेना है 100 ग्राम, तो इसको 100 को बदल दो केजी में, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू होती है 10, करो मल्टीप्लाई, यस नाउ। अब बताइए ये जो 100 ग्राम का वेट है, 100 ग्राम वेट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑन योर पाम। 100 ग्राम इस फॉर्मूले में हमने फिट किया, कौन सा फॉर्मूला है वेट का, W इज इक्वल टू mg, मास कितना लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम को कन्वर्ट किया kg में, डिवाइडेड बाय 1000, ये g को क्या कर दिया साथ में ही मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज द g, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेटा कटिंग करने पर क्या आ जाएगा, कटिंग करने पे आ गया 1 न्यूटन। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद कि अगर तुमने 100 ग्राम का वेट अपने पाम पे रखा हुआ है तो 100 ग्राम का वेट जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, 1 न्यूटन। अगर मैं बात करता हूं कि तुमने 1 केजी वेट उठा लिया, तुमने 1 केजी वेट को अपने हाथ पे रखा हुआ है, तब वो 1 केजी वेट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, जल्दी से बताइए 1 केजी वेट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, 1 केजी वेट कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, जल्दी बताइए 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का तुम्हें कैसे पता लगा, जी से पता लग गया, ग्रेविटेशन से पता लगा, तो 10 न्यूटन फोर्स का मतलब है 1 केजी वेट तुमने उठा रखा है। अब सोचो कि तुमने आज जाओ या कोई 1 किलो का सामान उठाओ, 1 किलो का जो वेट उठाओगे वो जितना फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन फोर्स होगा, आ गया ना, मेजरमेंट करना आसान हो गया। तो ये मेजरमेंट किसकी हेल्प से करी है, मेजरमेंट हमने ये ग्रेविटेशन की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसमें हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं फोर्स को, ग्रेविटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है ना। तो ये केजी वेट समझ आया, 1 केजी वेट क्या है, 1 केजी वेट का मतलब हो गया बेटा 10 न्यूटन, 1 केजी वेट का मतलब हो गया 10 न्यूटन, ध्यान रखेंगे इस चीज का, दैट इज मच 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 इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है यहां तक किसी को, आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो डेफिनेशन है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट की डेफिनेशन और एब्सोल्यूट यूनिट्स की डेफिनेशन, वो तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, वो तुम नोट्स अपने बना सकते हो, और थोड़ा सा ना चेक कर लेना लिंक्स में जाकर, क्योंकि मैंने प्रीवियस नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, कुछ प्रीवियस नोट्स अपलोड नहीं हुए थे लिंक में, तो वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो थोड़े से चेक कर लेना वीडियोस को। चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी का चैप्टर कल फॉरवर्ड करेंगे।